गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर. सो वी विल स्टडी चैप्टर 9 फॉर क्लास 3rd मेकिंग ए हाउस पार्ट 3. और इसमें आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन ए और बी जो आपके कंप्लीट हो चुके थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सी और यह है आपका ट्रू फॉल्स. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी हेडिंग है इसकी राइट ट्रू और फॉल्स. राइट ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए क्या लिखना है, एफ लिखना है. अब लिखेंगे नंबर 1, द फ्लोर एंड रूफ आर मेड ऑफ वुड. इसमें ये बताया है कि फ्लोर और रूफ जो हैं वो वुड के बने हुए हैं क्या? नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि फ्लोर और रूफ जो हैं वो किसके बने हुए हैं, कॉन्क्रीट के बने हुए होते हैं. नंबर टू है द बॉयज आर वेरी एक्साइटेड. जो 4 बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्या? EXCITED. ये बात कैसी है? ट्रू, बिकॉज दे वर वेरी एक्साइटेड. नंबर थ्री है मिस्टर खान. मिस्टर खान इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. तो बताओ मिस्टर खान जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं क्या? नो, न्यूज़पेपर तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, इसलिए ये बात कैसी है? फॉल्स है. नंबर 4, द मैन इज रीडिंग मैन जो है वो क्या पढ़ रहा है? अ प्लान ऑफ अ हाउस. एक हाउस का जो प्लान था वो पढ़ रहा था मैन. ये बात कैसी है? ट्रू है. नंबर 5, है दे आर गोइंग टू सी लार्ज मशीन्स. वे लार्ज मशीन को देखने के लिए जा रहे हैं क्या? यस इट इज करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर सी हैज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी और वो है आंसर द फॉलोइंग. एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन क्या है इसमें कि व्हाट इज अ बिल्डिंग साइट. इस चैप्टर में आपको बताया था कि बिल्डिंग साइट क्या होती है.
What is a building site? Answer: a place where, एक जगह जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, वो जो जगह होती है वही क्या कहलाती है, बिल्डिंग साइट कहलाती है. वेयर एनी बिल्डिंग इज बिल्ट. Is called building site. जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है वहाँ पर जो जो भी हम सीन देखते हैं तो वो जो जगह होती है वो क्या कहलाती है, बिल्डिंग साइट कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज कंक्रीट मेड? How is concrete made? इसमें क्या पूछा है, how means क्या होता है, कैसे, कि कॉन्क्रीट जो है वो कैसे बनाई जाती है. आंसर लिखेंगे, कॉन्क्रीट इज मेड बाय किस किस को मिक्स करने से बनती है ये, सीमेंट बाय मिक्सअप. जब हम मिक्सअप करते हैं किसको, सीमेंट को बाय मिक्सअप, सीमेंट वाटर, सीमेंट वाटर सैंड एंड स्टोन्स. छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, और इसके अलावा इसमें होती है सैंड, सीमेंट और वाटर. इन सबको मिला करके मिक्स करके हम कॉन्क्रीट जो होती है इसको प्रिपेयर करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है आपका. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डज मिस्टर खान What does Mr. Khan ask the boys to draw? Ask the boys to draw. What does Mr. Khan ask? Mr. Khan जो है वो क्या पूछने, क्या draw करने के लिए कहता है boys से. Answer. Mr. Khan अब देखो does है तो हम क्या लिखेंगे, ask, A-S-K-S, ask the boys to draw a plan of a हाउस. मिस्टर खान कहते हैं कि भाई तुम्हें भी कोई हाउस जो है उसका प्लान करना है तो तुम कर सकते हो. तो इसमें देखो क्वेश्चन में से ही है कि मिस्टर खान आस्क लिख दिया द बॉयज टू ड्रॉ, फिर हमें लिखना क्या है, ए प्लान ऑफ ए हाउस. क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई इज द प्लान ऑफ ए हाउस मेड? Why is the
plan of a house made. अब इसमें क्या पूछा है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, कि हाउस का जो प्लान होता है वो क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है कि हम हाउस का प्लान बनाते हैं, इससे क्या होता है. तो जिससे सारी चीज़ें जो हो जाती है वो क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती है, निश्चित हो जाती हैं प्रॉपरली. हम इसमें ये आंसर लिखेंगे, द प्लान ऑफ अ हाउस इज मेड, क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, निश्चित करने के लिए, ऑल थिंग्स, कि सभी चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाती हैं, उसमें निश्चित हो जाता है कि कौन सा रूम कहाँ पर होगा, और कोई भी चीज़ जो होगी, एवरीथिंग जो होती है वो निश्चित हो जाती है इसमें, ऑल थिंग्स प्रॉपरली, अच्छे से फिक्स हो जाती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो चुका है. सो स्टूडेंट्स, क्लास 3, क्वेश्चन नंबर सी और डी जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू सो मच.